जैसे राम मेरी पूरी YouTube फैमिली, स्वागत है आपका अपने चौधरी फिटनेस चैनल पे। और आज एक ऐसी कंपनी को एक्सपोज करने जा रहे हैं जो कि आपको 10 रुपए में काजू खिला रही है। वैसे तो हम ये क्लेम करते हैं कि मार्केट में जो जंबो काजू या फिर नॉर्मल कैश्यू नट्स आते हैं वो बेसिकली 700 से 1000 रुपए के किलो आते हैं, लेकिन एक ऐसी कंपनी को आज एक्सपोज करेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए में आपको काजू खिला रही है एंड हम इसको कंज्यूम भी कर रहे हैं। हमारी सुबह की जो शुरुआत होती है या फिर हमारे डेली स्नैक्स की जो हैबिट्स होती है उसके अंदर एक बेसिक इंग्रेडिएंट हमारा रहता है, वो रहता है हमारा बिस्किट। एंड एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जो कि सबने नाम भी सुना हुआ होगा, जो कि 10-10 रुपए में सबको काजू बेच रही है। सबसे पहले मैंने बोला ना कि इस सीरीज के अंदर जो कंपनी लिख के दे रही है उसी के बारे में बात करेंगे। मैं ऊपर से कुछ भी नहीं बोलूंगा, कंपनी खुद हमें क्या बेच रही है खुद लिख के भी दे रही है कि हाँ मैं जहर पैक करके दे रही हूँ, उसको आगे कंज्यूम भी कर रही है। पहले बात करेंगे हम गुड्डे के बिस्किट्स जो आ रहे हैं, बहुत ही मार्केट में फेमस ब्रिटानिया कंपनी इनको बनाती है। 10 रुपए के अंदर ये हमारे को 70 ग्राम का पैकेट दे रहे हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी दे रखी है, 50 ग्राम का पैकेट दे रहे हैं, साथ ही उन्होंने लिख दिया कि 28% आपको एक एक्स्ट्रा हम बिस्किट दे भी रहे हैं। टोटल जो पैकेट बैठता है उस तरह से 80 ग्राम, 10 रुपए में बिस्किट आता है, हमारा पेट भी भर जाता है। और हम ये सोचते हैं कि हमारे को ड्राई फ्रूट के साथ साथ हमारे को इसके अंदर आटा दे रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर लिख रखा है इन्होंने कि व्हीट का फ्लावर मिला हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे कौन सा फ्लावर मिला हुआ वो आगे आपको वीडियो में एक्सपोज करके मैं पूरा का पूरा समझाऊंगा। सबसे पहले 10 रुपए का जो पैकेट है वो टोटल हमारा बैठता है, ये हमारा 68 ग्राम का, 53 ग्राम कंपनी हमको दे रही है और 15 ग्राम हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, यहाँ पर लिख रखा है गेट 28% एक्स्ट्रा और अगर पीछे आप हल्का सा जाओगे तो वहां लिखा है 53 ग्राम प्लस 15 ग्राम एक्स्ट्रा, तो 28% एक्स्ट्रा। थोड़ा सा मैथ मुझे समझ में नहीं आया, आप भी क्वेश्चन आउट करेंगे मिलके कंपनी से। बात आती है इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डाले हैं, मैंने बोला ना जो कंपनी लिख के दे रही है उसी के बारे में बात करेंगे कि मैंने इसके अंदर डाला क्या है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट आता है रिफाइंड व्हीट फ्लोर, यानी व्हीट गेहूं का आटा, ब्रैकेट में लिखा है मैदा, यानी रिफाइंड की जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है रिफाइंड व्हीट फ्लोर का मतलब है मैदा, आटा इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर मैदा है। कंपनी खुद लिख के दे रही है कि मैं 10 रुपए मैदा खिला रही हूँ, आप खाओगे बिल्कुल खाओगे। सेकेंड इंग्रीडियंट है इसके अंदर रिफाइंड पाम ऑयल है इसके अंदर, कोई इसके अंदर बटर नहीं है, कोई इसके अंदर देसी घी नहीं है, इसके अंदर पाम ऑयल है जो कि हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है, हार्ट अटैक का मेन रीजन ही पाम ऑयल होता है। थर्ड चीज इसके अंदर है शुगर, यानी अभी भी ना देखो ये जो बिस्किट है ये कैश्यू कुकीज है, यहाँ पर इन्होंने बड़ा बड़ा काजू बना के दे दिया। यहाँ पर जो पैकिंग है जो मेन लेबलिंग है जब पैक हम खरीदते हैं इस यहाँ देख के, इसके अंदर 50% जो पैक है वो हमारे को कैश्यू ही नजर आ रहा है कि हाँ कैश्यू की जो ब्रांडिंग है वो बहुत जोरों शोरों से करी गई है। तो यानी इस बिस्किट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 50% तो कैश्यू होना चाहिए, 40% 30% कैश्यू होना चाहिए, लेकिन अगर मैं फोर्थ इंग्रेडिएंट जो देखूं मेरा कैश्यू है वो है 1.8% 100% में से 1.8%। मुझे हंसी आ रही है बोलते भी कि सिर्फ और सिर्फ 2% काजू आपने इस पूरे पैकेट के अंदर दिया है मेरे को, और जो पैकेट की लेबलिंग है वो आपने ऐसे करी है 70-80% आपने काजू इसके अंदर दिखा दिया कि ये काजू का बिस्किट है। आपने ऑरेंज कलर का पैकेट भी कर दिया ताकि इसके हमारी जो ऑरेंज कलर होता है वो हमारी भूख को भी बढ़ाता है। तो भैया आप एक पैकेट दो पैकेट आराम से खा जाओगे ये सोच के कि आपके बच्चे ड्राई फ्रूट्स और आपके बच्चे यहाँ पर आटा खा रहे हैं, आटा नहीं मैदा प्लस चीनी का एक घोल बना के खिलाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, शुगर तो इसके अंदर है ही है, साथ ही साथ में इसके अंदर बटर है जो कि 0.6% है जो कि एक नेग्लिजिबल अमाउंट है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है इसके अंदर रेजिंग एजेंट मतलब बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा जो कि फुलाने के काम आता है। लास्ट इंग्रेडिएंट जो कि मेन आता है मेरा कि इसके अंदर बेसिकली मिल्क डाला हुआ है, नहीं डाला हुआ है, इसके अंदर कोई मिल्क नहीं है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिफिशियल मिल्क और वनीला का फ्लेविंग सब्सटेंस डाला हुआ है। कंपनी ने खुद भी लिखा हुआ है जो कि हमने पहले वाली वीडियो ट्रॉपिकाना में भी देखा था कि एक नेचुरल ऑफरिंग सब्सटेंस आइडेंटिकल मिलता जुलता हमने इसके अंदर फ्लेवर डाला है। सेम कंपनी के ने इसके अंदर भी मिल्क और वनीला की फ्लेवरिंग डाली हुई है एजेंस के रूप में। तो क्या आप ये बिस्किट कंज्यूम करना पसंद करोगे जो 10 रुपए में आपको मैदा और चीनी का घोल पिला रही है साथ में? मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा। चलो आप कहते हो वो तो थे कैश्यू कुकीज वाले, हम नॉर्मल गुड्डे के बाकी बिस्किट आते हैं वो भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये है बटर कुकीज, सेम 50% लेबलिंग बटर बना रखा है, बटर कुकीज लिखी हुई है और साथ ही मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे भी दिया ताकि कंपनी की मार्केटिंग भी हो जाए साथ ही साथ में। बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की, सेम रिफाइंड व्हीट फ्लावर, मैदा, रिफाइंड पाम ऑयल यानी पाम ऑयल, शुगर। अब आप सोच रहे हो कि भैया चलो इसमें तो 2% था, एक 1.8, दो भी नहीं 1.8 कैश्यू था, तो बटर में तो क्या ही जा रहा है, बटर तो आप डाल ही सकते हो। बटर इसके अंदर है पूरे के पूरे 2%, यानी सिर्फ और सिर्फ 2% बटर डाला हुआ है। वो कौन सा बटर डाला हुआ है ना मुझे पता ना आपको पता। लास्ट में आते हैं रेजिंग एजेंट्स, वही बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और लास्ट में मल्सीफायर के रूप में इन्होंने डाला हुआ है आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग सब्सटेंस, ब्रैकेट में लिखा हुआ है मिल्क एंड वनीला की फ्लेवरिंग हमने डाली हुई है। 10 रुपए का पैकेट आता है ब्रिटानिया का और हम इसमें क्लेम कर रहे हैं कि मैं आपको 10 रुपए में काजू और 10 रुपए में आपको मैं बटर दे रही हूँ।
क्या आपके बच्चों के लिए हार्मफुल है या नहीं है। फिर हम लोग सोचते हैं कि हाँ ये वाले बिस्किट्स के अंदर 10 रुपए हमारा क्या ही जाएगा। देखो बात यहाँ पर ये नहीं आ रही कि 10 रुपए के पैकेट के अंदर हमारी भूख मिटती है नहीं मिटती है, हार्मफुल तो है ही है क्योंकि इसके अंदर मैदा और चीनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं एक्सपोज क्या करना चाह रहा हूँ कि कंपनी जो लेबलिंग कर रही है 50-60% अपने पैकेट के ऊपर दिखा रही है कि ये इंग्रेडिएंट बटर कैश्यू आलमंड्स इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो इसके अंदर है वो इसके अंदर नहीं है, वो सिर्फ 1-2% और वो कंपनी लिख के भी दे रही है हमें कि सिर्फ 1-2% हम तब भी इनको खुल्ला खुल्ला बाय करके खाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं इसके ऑल्टरनेटिव की, ऑल्टरनेटिव अगर हम बिस्किट्स खाने हैं तो वो हमें कैसे खाने हैं। आपके आस पड़ोस में जरूर बेकरीज होंगी, उन बेकरीज पे आप जरूर जाना है, वहां पर अपना खुद का आटा आप लेके जा सकते हो। थोड़ा बहुत देखो उसके अंदर मैदा मिलवाना ही पड़ेगा वरना जो बिस्किट है वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। हालांकि आप चाहो तो आप सॉफ्ट बिस्किट भी बनवा सकते हो सिर्फ और सिर्फ आटे से, लेकिन मैदे का जो प्रोपोर्शन रहेगा वो रहेगा 10-20%, यानी अगर आप 10 किलो आटा लेके जा रहे हो तो 1-1.5 किलो मैदे के अंदर आपका काम हो जाएगा। साथ ही साथ में आप अपने खुद के ड्राई फ्रूट्स लेके जा सकते हो, अपने खुद का बटर या फिर घर का घी भी लेके जा सकते हो और उनको दे सकते हो। आई थिंक मेरे जो घर के पास बेकरी है वो 100 रुपए लेती है कुछ 1-2 किलो बिस्कुट बनाने के, तो आई थिंक 500 रुपए के अंदर मेरे 10 किलो बिस्कुट भी तैयार हो जाएंगे। एंड जो भी मेरा इंग्रीडियंट्स है वो भी मुश्किल मुझे लगता है कि 3-4 हजार के अंदर सारा सामान भी आ जाएगा। 10 किलो बिस्कुट इतने होते हैं कि हमारे घर में 6 महीने चल जाएंगे, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है रेदर देन ऑल दिस शिट। ये लिटरली जहर या फिर मैं सच्ची बोलूंगा कि ये पैकेट में जहर बिक रहा है जो कि हम अपने बच्चों को या फिर हम खुद भी ऑफिस में बैठे बैठे इनको कंज्यूम करते रहते हैं। इनको खाना बंद करो, उनकी जगह बेस्ट रहेगा किसी भी बेकरी के पास जाओ, वहां से उनके कुक्ड बिस्किट मत लेना जो क्लेम करते हैं कि आटा कुकीज है कुछ, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। वीकेंड पे जाओ, खुद बनवाओ, खुद अपना सामान लेके जाओ, अगर टाइम हो सके तो अपने आगे बनवाने की पूरी पूरी कोशिश करना कि अपने आगे ही वो कुक करें, आगे उनको ट्राई करें और फिर आप उनको अपने बॉक्सेस के अंदर या थैली के अंदर ले आना। ये था हमारा वीडियो 2। पहले वीडियो हमने ट्रॉपिकाना के ऊपर बनाई थी, हमने उसमें ट्रॉपिकाना कंपनी को एक्सपोज करते उनसे पूछा था कि आपने क्या डाला, यही आज हम दोबारा से करने वाले हैं। नीचे टैग करना गुड्डे कंपनी को, आओ इनसे पूछते हैं कि अगर आप 50% लेबलिंग कर रहे हो कैश्यू की तो आप एटलीस्ट इसके अंदर 25% कैश्यू या बटर तो डाल के दो, आप क्यों हमसे फॉल्स क्लेम कर रहे हो और मार्केट में ये जहर बेचा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के, लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने उस दोस्त को जरूर वीडियो भेजना जो बिस्किट्स और ट्रॉपिकाना का फैन है।